वेलकम बैक इन माय न्यू ब्लॉग, इट्स मी सुहेल आजमी एंड यू आर वाचिंग सुहेल आजमी ब्लॉग। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक मेला पे, और एक डिज्नीलैंड मेला है और पीछे आप बोर्ड देख सकते हैं, डिज्नीलैंड संघ हस्तशिल्प मेला जो कि काफी शानदार अपने शहर मुजफ्फरपुर में काफी ग्रैंड लेवल पे लगा है। ये मेला ही नहीं बल्कि एक महामेला है। मैं बात करूँ सबसे पहले आपको बता दूँ लोकेशन के बारे में, जो कि मोती झील तिलक मैदान रोड टाउन थाना से थोड़ा सा जब आप आगे बढ़ते हैं तो मोंटी कार्लो के ठीक अपोजिट साइड में आप देखेंगे तो इस तरीके का आपको बोर्ड दिख जाएगा डिज्नीलैंड का। तो अभी अंदर चलेंगे, सारा कुछ डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे बहुत सारा कलेक्शन है, बहुत कुछ आइटम है, बहुत सारे यूनिक आइटम है, और क्या कुछ है अंदर में सारा कुछ मैं आपको डिटेल में एक्सप्लोर करने वाला हूँ, बने रहिए हमारे साथ। आपको मैं बताता चलूँ कि इसका जो स्टार्टिंग हुआ था ये 21 फरवरी को यहाँ पे स्टार्टिंग हुआ, और बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे आए हुए हैं, बहुत सारा बहुत ज़्यादा भीड़ है। इधर भी आप देख सकते हैं भैया लोग बहुत सारे आए हुए हैं घूमने के लिए डिज्नीलैंड। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा जो मतलब जो एरिया आप दिख रहा है, और इस साइड में आप पूरा देख रहा है, ये पूरा मतलब पार्किंग के लिए ये एरिया बनाया है। यहाँ पे पार्किंग का क्या चार्ज है भैया, आप यही पार्किंग में रहते हैं क्या? जी। तो यहाँ पे क्या चार्ज है गाड़ी का, अगर कोई टू व्हीलर से आता है तो उसका क्या चार्ज? 10 रुपया। और फोर व्हीलर से? 20 रुपया। साइकिल भी लगाते हैं क्या? 10 रुपया। 10 रुपया। तो पार्किंग का आप देख सकते हैं, नाम बता दीजिए अपना। मोहम्मद निहाल। मोहम्मद निहाल भाई जो कि यहाँ पे पार्किंग सेक्शन में रहते हैं, पार्किंग में जो भैया रहते हैं ये काफी मुश्किल भरा टाइम गुजार रहे हैं इनका इसी पार्किंग में। आप पाँव भी फ्रैक्चर्ड हो चुका है, फिर भी आप लोगों का सेवा कर रहे हैं। भैया क्या कहना चाहेंगे? बस सेवा में लगे हुए हैं और हमेशा करते रहेंगे। आप देख सकते हैं टिकट घर, जो कि टिकट घर पे आपको मात्र 10 रुपया लगता है एंट्री चार्ज, और यहाँ से आप टिकट परचेज करके आप अंदर की तरफ जा सकते हैं। और इस साइड में आप देखें तो ये है प्रवेश द्वार, यहाँ से आप एंट्री करते हैं और आगे वाला जो गेट है उससे आप एग्जिट कर। तो गाइस मैं डिज्नीलैंड को एक्सप्लोर करने आया था और यहाँ पे मेरे कुछ सब्सक्राइबर, हाय कर दो आप लोग। ओके, और क्या कुछ कह? हम लोग यही कहना चाहेंगे कि भैया को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भाई को और आगे बढ़ाए। okay, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग के लिए। तो भाई देख रहे हैं कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, काफी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, तो भाई का बात मानिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी टिकट लेते हैं यहाँ पे चेकिंग किया जाता है। तो गाइज मैं आ गया हूँ डिज्नीलैंड मेला के अंदर में, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल लगाए गए हैं, अलग अलग वैरायटीज के, अलग अलग टाइप के यहाँ पे जो सामान आपको मिलते हैं, जो भी यूनिक आइटम मिलते हैं सारा कुछ यहाँ पे लगाया गया है। साइड में जो आप देख सकते हैं लेडीज पर्स वगैरह, जिसकी जो मटेरियल है वो काफी अलग अलग, सूट पीस है, साड़ी है, कुर्ती है, कोटी है, लहंगा है, चादर है, दीवान से। कुर्ती, कुर्ती का क्या रेट होगा, मिनिमम क्या रेट होगा? ये 600 का है, डिस्काउंट करके 300 रुपये में हाफ रेट। वायरल ये जाता है पान वाले का शॉप जो आप देखते हैं कि फायर पान, आग वाला जी? आग वाला फायर पान, आग वाला पान कितने का आएगा? 30 का। आप देखते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारा जो जो रस्सी का बना हुआ, लकड़ी का बना हुआ बहुत सारा आइटम आपको मिलता है। इस तरीके का डेकोरेटिव हाउस वगैरह छोटे छोटे जो लकड़ी के बना के रखे हुए हैं, इसकी स्टार्टिंग रेंज क्या होगी? ये 50 और 60 बस। आते हैं बर्तन से रिलेटेड जो भी आइटम होते हैं ये सारा कुछ आपको मिल जाते हैं, एकदम पूरा भरपूर कलेक्शन है। आपको कप मिल जाएंगे, प्लेट मिल जाएंगे, डिनर सेट, और मतलब ये कि बोले तो किचन से रिलेटेड जो भी बर्तन वगैरह होते हैं सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देखें तो लेडीज से रिलेटेड जो सिंगार के जो आइटम होते हैं सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। बहुत सारा कलेक्शन है अलग अलग वेराइटीज के, अलग अलग कलर के। फेमस राजधानी अचार, जो कि जिस अचार को देखने के बाद रियलिटी में होता है कि अक्सर मुंह में पानी आ जाता है। अचार मिलेंगे, देखिए आंवला मुरब्बा मिलेंगे, लहसुन है, आदि है, ओल है, सब मिलेंगे। तो रेट के बारे में कुछ बता दीजिए। 70 का 250 ग्राम कोई भी अचार लीजिए, खट्टा मीठा तीखा। और क्या क्या कुछ आप रखते हैं? चिप्स रखते हैं, चूरन चॉकलेट सब मिलेगा आपको, पापड़। टेडी बियर और डॉल्स वगैरह बहुत सारे आपको मिल जाते हैं अपने बच्चों के लिए। 100 रुपया कोई भी ले, 100 रुपया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा डॉल का कलेक्शन है, आप अपने बच्चों के लिए परचेज कर सकते हैं, और कोई भी डॉल ले तो आपको मात्र 100 रुपीज पे करने हो। यहाँ पे भी आपको लेडीज जो सिंगार से रिलेटेड बहुत सारे आपको सामान आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। जस्ट आप यहाँ पे एक बार देख सकते हैं, लेडीज सैंडल चप्पल और बहुत सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। रेट क्या भैया, क्या रेट का होगा यहाँ पे? आइए
200 का है, 200 का कोई भी ले, 200 150 सारे चाबी रिंग जो कि अलग अलग वेराइटीज़ के हार्ट शेप में, ओवल शेप में और सर्कल शेप में बहुत सारा आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे नाम लिखवाते तो एक नाम लिखवाते तो आपको मात्र 40 रुपया लगते हैं और दो नाम लिखवाते तो आपको 70 रुपीज़ यहाँ पे करने होते हैं। लिखा हुआ है लुधियाना सेल, जो कि मात्र 100 रुपीज़ में आपको इस तरीके का लेडीज़ कपड़ा जो कि मिल जाता है। और जो आप आइटम देख रहे हैं ये लेडीज़ आइटम है और ये मात्र 100 रुपये में आपको मिलता है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं मात्र 100 रुपया। हैंड का वर्क के बहुत सारा आपको यहाँ पे क्लॉथ मिल जाते हैं, बैग मिल जाते हैं और बहुत सारा आइटम मिल जाता है। और क्या कुछ प्राइस है, चलिए जो शॉप ऑनर है चलिए उनसे बातचीत करते हैं। यहाँ पर आप लोग का लेडीज का कुर्ती मिलेगी, जेंट्स का कुर्ता मिलेगा, लेडीज बैग मिलेगा, जेंट्स लेदर पर्स मिलेगा। क्या कुछ प्राइस क्या क्या होगा? यहाँ से 30 रुपये से चालू है, ओनली 30 रुपीज़। यस, आप देख सकते हैं यहाँ पे 30 रुपये से स्टार्टिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे कलेक्शन है थैले का, 30 रुपये से स्टार्टिंग। और लास्ट क्या होगा? लास्ट आपको 250 तक आ जाएगा, 250 का होगा। यस, और जो सूट वगैरह जो लेडीज सूट है उसका क्या प्राइस? वो आपका 200 से चालू है। अच्छा, 200 से चालू है, आपका 1050 तक में आ जाएगा। पूरा सलवार सूट है, बहुत सारा वेराइटीज यहाँ पे लगा हुआ है। ये बंगाल के हैंडवर्क है, बोलपुर सा, हाँ ये सब हैंडवर्क है। हाँ, उसमें पूरा दुपट्टा रहेगा, पैजामा रहेगा, कुर्ती रहेगा। शॉप मिलेगा जिसमें अलग अलग वैरायटीज के बहुत सारे कलेक्शन है, चश्मा का और बहुत सारे रिस्ट वॉच। बच्चे का चश्मा 40 में एक से एक वैरायटी है, प्लस बड़े का 100 से स्टार्ट है। लकड़ी का बना हुआ बहुत सारा अलग अलग डेकोरेटिव आइटम आपको मिल जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे काफ़ी अलग अलग वैरायटीज जो आपके घर को सजाता है, चार चांद लगा देता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं स्टूल वगैरह, चेयर और भी बहुत सारे इस तरीके का आप बास्केट वगैरह भी ले सकते हैं। इधर भी अचार का एक स्टॉल लगा हुआ है जैसा कि मैंने आपको पीछे दिखलाया। 280 रुपये के जी है, 70 रुपये 250 सकते हैं। न्यू बॉल धमाका और नीचे में कुछ नंबर दिए गए। यहाँ पे दरअसल एक गेम खेलवाया जा रहा है और गेम क्या है वो सारा कुछ मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल ये इस तरीके से एक बॉल है, ये 6 पीस आपको 20 रुपये में बॉल मिलता है और यहाँ पे कुछ इस तरीके से खाँचा बनाया गया है, इसमें आपको डालना है और 6 बॉल आप डालने के बाद यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए हैं। इस नंबर को अकॉर्डिंग आपको कुछ ना कुछ प्राइस आपको मिलेगा। आप देख सकते हैं हर तरीके का प्राइस वहाँ पे लगा हुआ है। 6 नंबर वाले में अगर 6 बॉल चला जाता है तो सामने लगा हुआ LCD मेरा होने वाला है। तो अभी चलिए आजमाते हैं, देखते हैं क्या LCD हम जीत पाते हैं क्या। भैया 20 के 6 बॉल है, ये रेड लाइन से छोड़ना, वो रेड लाइन लगा हुआ है वहाँ छोड़िएगा आप। 6 बॉल इसमें आएगा, 6 बॉल का नंबर ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद ये आपका पुरस्कार नंबर है। अगर इससे मैच हो जाएगा कोई भी नंबर तो आपको इनाम मिलेगा, नहीं मैच होगा नहीं मिलेगा। हर नंबर पर अलग अलग पुरस्कार है। 20 का 6 बॉल है भैया। सब 250 रुपये सेल लगा हुआ है, कोई भी लेंगे कोई भी लीजिए 250, कम से कम 250 रुपये। 100 रुपये हैंड पर से 100 रुपया। देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे घूमने आए हुए। क्या नाम है बच्चा? हमारा नाम है सल्लू। नाम है सल्लू? नाम है तुम्हारा? MD मिजान। MD मिजान। yes. देख सकते हैं आप यहाँ पे दोनों घूमने आए हुआ है और काफी मजा आ रहा है डिज्नीलैंड। yes. बहुत मजा आ रहा है। yes. अकेले आए हो या फिर पेरेंट्स के साथ? पेरेंट्स के साथ। तो अकेले नहीं आए, छोटे बच्चे को अकेले नहीं जाना चाहिए, मेला वेला में कहीं घूमने। पढ़ाई करते हो तुम लोग? जी करते हैं। किस क्लास में हो? 6th में। 4th में। 6th में और 4th में हो, खूब मन लगा के पढ़ना। ठीक, शिव शक्ति भुजा भंडार। और भुजा देखने के बाद अक्सर सबसे पहले तो लोग मुँह में पानी ही आ जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं भैया जो है काफ़ी अलग अलग वेराइटीज़ के काफ़ी अच्छा भुजा बना। 30 रुपये 30 रुपये का 100 ग्राम 30 रुपये का 100 ग्राम भैया यहाँ पे बेचते हैं और काफ़ी अच्छा बनाते हैं। अभी यहाँ से हम परचेज भी करेंगे। देख सकते हैं इन्होंने भुजा ट्राई, चलिए भुजा ट्राई करते हैं, काफ़ी टेस्टी काफ़ी शानदार बनाते हैं। शिव शक्ति भुजा भंडार, आप आइएगा यहाँ पे, जरूर परचेज करिए, जरूर खरीदिएगा। भाई डिज्नीलैंड मेला में आते हैं और शिव शक्ति भुजा भंडार में भाई भुजा दुकान देखने से पहले हमारे मुंह में लाड़ आ जाता है, तो यहाँ आते हैं तो पहले भाई भुजा खाते हैं। आप लोग भी आते भैया तो यहाँ पे ट्राई कर लीजिए और इतना अच्छा भुजा बनाते हैं ना भैया कि क्या बताएं, आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा, ये हमारा गारंटी है। दोस्तों अंदर आने के बाद जब आप लास्ट की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको इस तरीके से आपको झूला मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टिकट काउंटर मात्र 50 रुपये आपको लग रहा है, 50 रुपये। देख सकते हैं बच्चों के लिए इस तरीके से झूला यहाँ पे
झुलाया जाता है। बच्चों के भी अलग अलग झूले हैं। आलू पनीर टिक्की चाट, मुंबई का फेमस आलू पनीर टिक्की चाट आपको यहाँ पे मिल। कितने का बनाते हैं आपने? 40 रुपया। मुंबई फेमस भेलपुरी, क्योंकि भैया यहाँ पे भेलपुरी का ठेला लगाया। कितने का प्लेट बनाते भैया? भेलपुरी 30 है, पापड़ी चाट 40, बटाटा पूरी 40। शिव शक्ति हरेक माल मात्र आपको 50 रुपये में, वहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक आप देख सकते हैं। बहुत सारा आइटम है, मात्र आपको 50 रुपये मिलता है। बच्चों के डॉल्स भी आपको यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। और लेडीज आइटम भी आपको यहाँ पे भरपूर कलेक्शन आपको मिल जाता है। कोई भी आइटम 50 रुपया, कोई भी आइटम आप यहाँ से परचेज करते हैं तो मात्र 50 रुपये मिल जाएगा। भैया ये सब बर्तन कितने का आएगा? 50 का, 50 रुपया। कोई भी आइटम 50 रुपया, तो आप कोई भी आइटम यहाँ पे लेते हैं तो मात्र आपको 50 रुपया। और बहुत सारा डेकोरेटिव आइटम भी आपको मिलता है, जो आपके घर के वॉल पे और आप टेबल पे डेकोरेट करके रख सकते हैं। कितने का फ्लावर आएगा? 140 का आएगा। 140 का, 180 का आएगा, 260 का आएगा, 220 का आएगा, सब अलग अलग रेंज का, बढ़िया बढ़िया। तो हर वेराइटीज के हर कलर में आपको यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स आपको मिल जाते। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे मूर्ति बने हुए हैं, अलग अलग देवी देवताओं के बहुत सारे मूर्ति आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और ऊपर में भी आप देख सकते हैं अलग अलग साइज, सब अलग अलग प्राइस का है। 50 रुपये से शुरू है जी, 50 रुपये से शुरू है और लास्ट 1050। जो जनरली हर मेले में आपको मिलता है, आपको यहाँ पे बहुत सारे जो बैलून लगे होते हैं और बैलून आपको इस गन के से फोड़ना पड़ता है। कितने का देते हो? 50 रुपये 25 बोलिए। क्या? 50 रुपये 25 बोलिए। 50 रुपये 25 गोली मिलता है और 20 का 10 है। तो आप यहाँ पे आकर के आप अपना निशाना ट्राई कर सकते। सो गाइस, मैं आया था यहाँ पे डिजीलैंड मेला में और घूमते हुए मुझे यहाँ पे फ्रेंड और बहुत सारे सब्सक्राइबर मिल गए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए अभी हम लोग साथ में मिलकर खूब इंजॉयमेंट करें। क्यों जी, क्यों नहीं? आपको रेलगाड़ी वाला भी आपको यहाँ पे झूला मिल जाता है। बच्चे कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है अंकल, झूला झूले जा रहे हैं। यहाँ पे आप ये जो झूला देख रहे हैं ये ब्रेक डांस वाला है और ये काफी अच्छा लग रहा है। आप यहाँ के मजे कर रहे हैं। शहरवासियों के लिए बहुत सुनहरा मौका है लॉकडाउन के बाद, जो आपके शहर में इंजॉय देख रहे हैं पूरे परिवार के साथ, बाल बच्चों के साथ लोग लगन का खरीदारी भी कर रहे हैं, एक से एक देसी विदेशी झूले का मजा भी ले रहे हैं। टावर झूला हुआ और टावर झूला पे आप इस पे आगे झूल सकते हैं। चलिए आगे। ये जो झूला है, ये इस झूले का नाम है टोरा टोरा झूला। और यहाँ पे भी जो इसका जो प्राइस है वो 50 रुपीज़ है। 50 रुपीज़ में आप इस झूले का मज़ा ले सकते हैं। और भी अलग अलग छोटे मोटे बच्चों के लिए झूले लगाए गए। और ये आप देखें, बच्चों के लिए वाटर पार्क बनाया गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बच्चे इसमें देखिए काफ़ी मज़े ले रहे हैं, काफ़ी आनंद। 50 रुपीज़। 50 रुपीज़। कितनी देर तक बच्चे को एंजॉय करने देते? 10 मिनट। 10 मिनट 50 रुपीज़ में 10 मिनट आपके बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। भैया कैसा लग रहा है डिजीलैंड के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? बच्चों के लिए है, बच्चों के लिए अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आप एंजॉय नहीं कर रहे, बड़े लोग एंजॉय नहीं कर रहे? बच्चों के लिए, नाम ही है डिजीलैंड ना। करते कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा है, बच्चे लोग के भी घूमने वाला बहुत अच्छा है। अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है? जवाहर सर। तो गाइस मैंने सारा कुछ डिटेल में एक्सप्लोर कर दिया, सारा कुछ मैंने अंदर डिजीलैंड का सारा कुछ मैंने आपको दिखा दिया है और बहुत सारे रेट्स भी आपको बताए हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा कलेक्शन है, आप आकर के यहाँ पे परचेज कर सकते हैं और घूम सकते हैं। काफी अच्छा है, बच्चों के लिए बहुत सारे पार्क भी बनाए गए, झूले लगाए, काफी अच्छी जगह। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और पूरे वर्ल्ड में इसको फैला दीजिए। यही थी छोटी सी ब्लॉग। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर पहली बार आए हुई अभी अब तक सब्सक्राइब नहीं कर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।